नीमराणा कस्बे में हाईवे समीप बंद पड़ी पराक्रम उद्योग के सामने लगी सब्जी के खोके में 11:30 बजे के करीब अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगते देख आसपास के अन्य खोकों के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। लोग अपने स्तर पर पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाते। उससे पहले अनीता पत्नी गोपाल सिंह अलवर व राजपाल यादव पुत्र मातादेन सिलारपुर के 2 खोके सब्जी सहित जल गए। बाद में लोगों और मौके पर पहुंचे नीमराणा रिको दमकल केंद्र से आई एक दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। घटना के समय खोखों के दुकानदार दोनों ही मौके पर नहीं थे। उनके सब्जी के खोखे भी बंद पड़े थे। खोखों में गैस सिलेंडर भी रखे थे, पर गनीमत ये रही कि वे फटे नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर आई नीमराणा पुलिस ने घटना की जांच की और खोखे के मालिकों का पता लगाने में जुटी है।